नमस्कार दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये आपके काम का हो सकता है। आप सभी जानते होंगे कि जो भी हमें प्राकृतिक वरदान मिले हैं, जैसे कि हरी धनिया, पुदीना, आंवला, इनका कच्चे रूप में सेवन करना चाहिए किसी न किसी रूप में। रामबाण औषधि का काम करता है। धनिया में प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और मिनरल होते हैं। ये डायबिटीज़ लोगों के लिए रामबाण औषधि है। हरी धनिया ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जो भी लोग एनीमिया से ग्रसित हैं उन्हें सेवन करना चाहिए। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आंवला भी पेट के सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर के लेवल को भी बॉडी में बैलेंस करके रखता है। और इसी प्रकार पुदीना में भी बहुत से गुण पाए जाते हैं, जो कि कफ, बात, दोष को कम करता है। पुदीना पेचिस और लूज मोशन जिसको लगते हैं तो उन्हें यूज़ करना चाहिए। बुखार, पेट के रोगों को भी दूर करता है। अभी वैसे भी ठंड का सीज़न है तो बहुत ही आसानी से ताज़ा आंवला मिल जाता है, तो एक आंवला ले लिया है। अदरक, लहसुन और मिर्ची लिया है। यदि आप लहसुन नहीं खाते तो विदाउट लहसुन के भी बना सकते हैं। तो जैसे आप हरी धनिया का किसी न किसी रूप में ताजी, जैसे हरी धनिया है तो आप टमाटर, हरी धनिया की चटनी, तो आपके लिए भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हमने आंवला लिया है। आंवला, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को पीस लेते हैं और इसके बाद पीसने के बाद इसमें हरी धनिया और जो पुदीना लिया है पुदीना को डाल देंगे। दोस्तों, पुदीना में लीवर को ठीक करने की शक्ति होती है, पेट की सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। तो किसी न किसी रूप में आप पुदीना, हरी धनिया और आंवले वगैरह का यूज़ करें। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, इसमें स्वादानुसार नमक डाल दें और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से इसमें अच्छा फ्लेवर भी आएगा और साथ ही साथ जो आंवले में कसैलापन, इठैलापन रखता है खाने में, वैसा नहीं लगेगा। तो हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, ये चटनी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। किसी न किसी रूप में आप हरी धनिया, पुदीना और आंवले का यूज़ करें।